ओके सो कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया मोबाइल एम थ्री इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और इसमें मैंने क्या किया पास कर दिया प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मोबाइल एम थ्री इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और इसमें मैंने क्या पास कर दिया प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो एम टू है उसको पास कर दिया। तो अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो एज एन ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है, तो क्लास में जाएगा। अच्छा एम टू का कंटेंट याद रखिएगा, एम टू कंपनी नेम इज सैमसंग, मॉडल इज 810S एंड कलर इज ब्लैक। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने M2 पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो जब मैं M2 पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी तो ये क्या करेगा क्लास में जाएगा, और ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो एक ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है मोबाइल M, यानी कि वो वहां से जो मैंने M2 पास किया वो M2 को अब चेंज कर कहां पास कर देगा एक लोकल ऑब्जेक्ट में जो कि M है, यानी कि M2 के सारे कंटेंट्स M के ऑब्जेक्ट के नाम से अपडेट करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो M2 की थी लाइक कंपनी नेम वाज सैमसंग, मॉडल वाज 810S एंड हमारे पास कलर था ब्लैक, तो वो सारी चीजें लोकल ऑब्जेक्ट एक बनेगा एम, और उस एम में सारी चीजें स्पेसिफिकेशन स्टोर हो जाएंगी। और फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कंपनी इज इक्वल टू एम डॉट कंपनी, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है एम थ्री उसके लिए कंपनी क्या हो जाएगी जो एम डॉट कंपनी, यानी कि एम में जो लोकल ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू पास हुई है जो कि एम डॉट कंपनी विच वॉज सैमसंग। सो नया ऑब्जेक्ट जो एम थ्री है उसके लिए कंपनी ने वुड बी सैमसंग। मॉडल इज इक्वल टू एम डॉट मॉडल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है वो ऑब्जेक्ट कौन सा पास किया है एम टू। सो एम टू का जो मॉडल है 810S वो लोकल ऑब्जेक्ट एम का मॉडल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे लोकल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह फिर ये कलर को भी सेट करेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी एम थ्री डॉट मोबाइल और एम थ्री डॉट प्रिंट ऑल, सो इसको जब रन करूंगी तो देखें इसने वो सारे कंटेंट्स ऑब्जेक्ट टू के एम टू के कॉपी कर दिए एम थ्री में। सो वी कैन यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर व्हेन वी हैव सेम वैल्यू फॉर न्यू अपकमिंग ऑब्जेक्ट। अगर एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है हमें
उसके कंटेंट सेम है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के, जो ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए वी कैन क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट टू द कंस्ट्रक्टर, और फिर वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को उस डिफॉल्ट जो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें पास कर देगा, और उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज के थ्रू सारी की सारे जो नया ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्लास लेवल वेरिएबल, जो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स हैं वो सेट होंगे। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? जी क्लास, सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, सो आज हमने थ्री टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स डिस्कस किए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? अच्छा, प्राइवेट की हमने क्या लिमिटेशन देखी थी कि प्राइवेट कैन बी यूज्ड विद इन द क्लास, ठीक है? जब हमने किसी चीज के साथ प्राइवेट लगा दिया तो वो उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। सो अगर मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया तो एक चीज, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि फिर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, लेट्स से अगर मैंने मोबाइल की क्लास में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज किया है और मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, करने लगूंगी उस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, सो इट विल थ्रो एन एरर। सो जहां पे भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकनी हो तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें। सो दैट जब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया, इट मीन्स कि वो आउटसाइड द क्लास, हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैन स्टॉप ऑब्जेक्ट क्रिएशन। So no object of a class having private constructor cannot be instantiated from outside of the class. ठीक है, अगर एक क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि मैंने एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाए और एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो फिर हम उस कंस्ट्रक्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो क्वेश्चन हियर इज दैट कि फिर ऐसी इसकी जरूरत क्या है? जरूरत ये कि हम सेम क्लास के अंदर से ही, मेथड के अंदर से उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए, एक क्लास बनाई ए और क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर, सेम कंस्ट्रक्टर बनेगा वैसे ही सेम, बट पब्लिक की जगह प्राइवेट आ जाएगा। तो मैंने एक क्लास बनाई ए और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया ए, और आउटसाइड द क्लास, यानी कि ये क्लास एंड हो गई, इस क्लास के बाहर मेन मेथड के अंदर मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ, सो इट विल थ्रो एन एरर बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट एंड प्राइवेट फील्ड को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन रुक जाए, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो वहां पे आप फिर एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं उस क्लास में, सो दैट उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, हम यूज क्यों करेंगे, क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाई वुड वी यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट इज स्टॉप ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ अ क्लास। अगर आप चाह रहे हैं कि आप उस क्लास, एक क्लास आपने बनाई है जिसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाना चाह रहे, तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं। इफ वी वॉन्ट टू स्टॉप ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ अ क्लास, अगर हम क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकना चाह रहे हैं, सो देन वी कैन मेक द क्लास कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। सो इफ वी ट्राई टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम और अदर क्लासेस, देन कंपाइलर विल फ्लैश एन एरर। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करेंगे। एंड सेकंड,
हमारे पास ये है स्टॉप अ क्लास टू बी इनहेरिटेड. अगर जाहिर है जब आप एक क्लास को हमने एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता. और अगर हम इनहेरिटेंस रोकना चाह रहे हैं कि उस क्लास को कोई और क्लास एक्सेस करना चाहे, तो उसके लिए भी हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं. इफ वी डोंट वॉन्ट अ क्लास टू बी इनहेरिटेड देन वी मेक द क्लास कंस्ट्रक्टर प्राइवेट. So if we try to drive another class from this class, then compiler will session error. तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी scenario है, तो you can use private constructor. अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी class का object ना बने, तो भी आप private constructor use कर सकते हैं. और अगर आप चाह रहे हैं कि वो class further inherit ना हो, तो भी आप private constructor use कर सकते हैं. Like यहाँ पे एक private constructor, एक class बनाई, class के अंदर private constructor B, मतलब class के name के equivalent ही होगा constructor. फिर मैं चाह रही हूँ कि मैंने एक और क्लास बनाई डी, जो कि बी को इनहेरिट कर रही है. अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी डी का, सो इट विल थ्रो एन एरर कि हम इनहेरिटेंस भी नहीं कर सकते. तो अगर आप ये दोनों चीजें रोकना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं. आज तक यही तक रखते हैं. ऑल्दो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हम देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को मैं थोड़ा और डिटेल में करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी होगा. वैसे तो मुझे आज लेना था क्विज, लेकिन अब क्विज का टाइम है नहीं, तो ये टॉपिक भी कम्प्लीट हो गया. सो क्विज जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसको यहीं तक रखते हैं. मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. जिसका नेम कॉल करूंगी वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दे. कंस्ट्रक्टर्स भी, मतलब जितनी चीजें हम पढ़ चुके हैं उनमें वो सब हो सकती हैं. अल्तमश हुसैन, अल्तमश आप फर्स्ट सेशन में तो नहीं थे. अब्दुल बासित जफर खान, सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद रजा क्लास मुझे अटेंडेंस लेने थे, फिर उसके बाद हम क्विज का डिस्कस कर लेंगे. सैयद मोहम्मद रजा, मुझे नहीं पता आप कब वापस आए थे. अटेंडेंस के बाद तो क्लास ही एंड हो गई थी, ब्रेक हो गया था, तो आप फिर वापस कब आए थे अल्तमश? सैयद मोहम्मद रजा एब्सेंट. अहमद इकबाल एब्सेंट. सैफुल्ला, सैफुल्ला आप भी फर्स्ट सेशन में नहीं थे. मोहम्मद शफात खान, मोहम्मद शफात खान. हमजा अकबर, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, शफात आप भी फर्स्ट सेशन में नहीं थे. सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद मोहम्मद अली हुसैन एब्सेंट. अब्दुल राफे सिद्दीकी, सुमेरा महफूज, तो आप अटेंडेंस के टाइम ऐसा क्या कर रहे थे कि आप जो है वो अटेंडेंस कॉल नहीं कर सके? और मुझे तो आपकी क्लास में कहीं भी प्रेजेंस नजर नहीं आई. दानियाल अहमद, दानियाल अहमद. सैयद मोहम्मद असद, असद आप भी फर्स्ट सेशन में नहीं थे. मोहम्मद जईम कुरैशी, गयूर अहमद, हमजा आसिफ, मोहम्मद हमजा रफीक, मोहम्मद हमजा रफीक. हमजा भी एब्सेंट है. ताह सिद्दीकी,
बेटा तो आप मोबाइल से तो ले सकते हैं ना, मोबाइल डेटा के थ्रू क्लास। साधुर रहमान साथ फर्स्ट सेशन में थे, अभी नहीं है। आयशा इरशाद, मुस्तफा अहमद मिन्हास, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, ओके, महविश खुर्शीद, महविश आप भी फर्स्ट सेशन में नहीं थी। सैयद मोहम्मद गाजी, ओके प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद रमीज, सुमेरा राशिद, मोहसिन शबीर, तलहा जब्बार, फरजान अली खान। फरजान आप फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी आपने लास्ट सेशन में बिल्कुल एंड टाइम में 10 मिनट्स पहले ज्वाइन किया है, सो आप भी एब्सेंट कंसीडर होंगे। मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद मुस्तफा एब्सेंट, मोहम्मद हमजा जब्बार, मोहम्मद हमजा जब्बार, सैयदा रुमेसा, मोहम्मद हतीम, अली काजमी, सुलेमान जिया, ओके। एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ? ओके कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। क्विज का तरीका ये होगा कि क्विज का जो टाइम है अनाउंस करूंगी, उस टाइम पे क्विज एलएमएस पे अपलोड होगा, उसी टाइम पे आपने एलएमएस से क्विज डाउनलोड करना होगा, क्विज पेपर, उस क्विज को पेपर पे सॉल्व करना होगा थ्रू पेन, ठीक है। हैंड रिटन फॉर्म में आप सबमिट करवाएंगे। ये सब चीजें मैं पहले से बता रही हूँ, उस टाइम पे क्यूरी मत कीजिएगा, ठीक है। और जो क्विज का टाइम होगा उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने जो है उसको जो है वो सॉल्व करना होगा, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अगर 40 मिनट्स हैं तो विद इन 40 मिनट्स आपने सॉल्व करके उसको एलएमएस पे दोबारा से अपलोड करना होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम पे कोई वो नहीं है, जो क्विज का टाइम होगा उसी ड्यूरेशन पे आपकी लाइट चली जाए, कोई भी इशू हो जाए, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। एलएमएस जो है मैं उस पर कट ऑफ टाइम रख दूंगी, उस टाइम के बाद एलएमएस आपका क्विज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और काइंडली मुझे जो है व्हाट्सएप पे और ईमेल पे सेंड मत कीजिएगा क्विज, नहीं हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन होगा क्विज। आप पेपर पे सॉल्व करेंगे, जितने पेपर्स होंगे हर पेपर पे अपना नेम एंड स्टूडेंट आईडी मेंशन करेंगे आप। मार्क्स मैं अभी नहीं बता सकती, मार्क्स वो उसी टाइम पे क्विज के जब मैं क्वेश्चंस बना रही हूँगी जब अपलोड होंगे वो उसी टाइम पे मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, अब तक जितना पढ़ लिया है वो सब को इसके कंटेंट होंगे। अच्छा, सेकेंडली ये कि उप प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो है वो मैंने असाइनमेंट एलएमएस में अपलोड कर दिया है, उसकी ड्यू डेट भी वहां गिवन है। हर ग्रुप का एक मेंबर जो है वो एलएमएस पे अपलोड करेगा, तमाम नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन आप बना सकते हैं जिसपे आप उप इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्लियर है यहाँ तक? तो उसी टाइम पे जो है काइंडली, आप टाइम बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास, 4 to 5 डेज या उससे भी ज्यादा का टाइम है, तो काइंडली उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपना प्रपोजल बना के अपलोड कर दें। बाद में ये आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा कि मिस लाइट चली गई थी, ये इश्यू हो गया था, आपके पास 5 दिन है। प्रपोजल बनाएं और एज सून एज पॉसिबल अपलोड कर दें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। अगर दो प्रोजेक्ट सेम टाइटल के आते हैं तो जिसने पहले सबमिट करवाया होगा उसका अप्रूव होगा, और दूसरे वाले को फिर किसी नए आइडिया के साथ आना होगा। बना सकते हैं लेकिन मैं अभी इसको अप्रूव नहीं करूंगी जब तक मेरे पास हैंड रिटन प्रपोजल नहीं आएगा, तो प्रपोजल की वर्थ है, ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, इस पे तो कोई बहस नहीं होगी कि हैंड रिटन होगा या कैसे होगा,
हैंड रिटन ही कोई सबमिट करवाना है आपने। हैंड रिटन आप करेंगे, मोबाइल से उसकी पिक्चर लेंगे, पिक्चर लेने के बाद उसको वर्ड पे कॉपी पेस्ट करेंगे और वर्ड की फाइल अपलोड करेंगे एलएमएस पे। प्रोजेक्ट आपका विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन होगा, ये मैं बहुत पहली क्लास से भी बता रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम भी आपके हैंड रिटन ही होंगे। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर क्विज भी होगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। क्विज में सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी आज की क्लास तक जो हम कवर कर चुके हैं। ओके क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज। बेटा कोड जब उस पे करते हो, सिस्टम पे करते हो, तब भी तो टाइप करना पड़ता है, वो चीज टाइप करो या वो लिख लो।